हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता गवर्नमेंट पंडित जेएल आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा से फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर फोर्थ है प्लांट पैथोलॉजी, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके बारे में जो है आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है आप लोग को इसका जनरल ओवरव्यू देने जा रही हूँ। इसके पहले जो है हम लोगों ने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में जो है स्टडी किया था, आज जो है हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो है पोटैटो ट्यूबर में जो है अर्ली ब्लाइट डिजीज़ का जो है सिम्टम जो है नज़र आ रहा है। आइए इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है यह कॉमन फोलिएट डिजीज़ है जो कि पोटैटो और टोमेटो दोनों में देखा जाता है। इसका ऑकरेंस जो होता है जनरली कोल्ड एरियाज़ में तो होता ही है, साथ ही साथ में जो है यह वार्म रीजन्स भी जो है वहाँ पे भी पाया जाता है। यह जो है डिज़ीज़ इंडिया और जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोटैटो का जो है कल्टीवेशन करवाया जाता है, उन सभी जगहों पे जो है इस डिज़ीज़ को जो है देखा गया है और वहाँ से रिपोर्ट किया गया है। माथुर सिंह एंड नागरकोटे, इन्होंने जो है 1971 में बताया था कि जनरली जो है 5 to 6 ईयर्स कंटिन्यूसली जो है उत्तर प्रदेश में जो है पोटैटो, ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ जो है इसको देखा गया था। और इस पैथोजन ने जो है जनरली जो है आलू की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो है डिजीज़ उत्पन्न किया था इन द फॉर्म ऑफ द लीफ स्पॉट, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो पत्तियां जो हैं समय से पहले डिफोलिएट हो गई थी। ये जो पत्तियां हैं इसमें आपको दिख रहा होगा स्पॉट्स, ये जो डिजीज़ है या इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो यह वर्ल्ड वाइड पाया जाने वाला डिज़ीज़ है, यानी कि जो है सभी कंट्रीज़ में जो है इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया है जहाँ पे पोटैटो और टोमेटो को ग्रो करवाया जाता है। इंडिया में जो है इस डिज़ीज़ को असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यूके, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा, यानी इतने एरिया से जो है रिपोर्ट किया गया है। इस डिज़ीज़ को सबसे ज़्यादा जो है हिली एरियाज़ में देखा गया है और इस डिज़ीज़ के कारण जो है क्रॉप लॉस जो होता है 20 to 50% तक हो सकता है। आइए इस डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं वह देख लेते हैं। ये डिज़ीज़ जो है अपीयर होता है ऑन द लीफलेट्स जब जनरली जो है इस पोटैटो ट्यूबर्स को जो है क्या किया जाता है ग्रो करवाया जाता है, एंड ग्रो करवाने के 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही जो है यह डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स हैं नज़र आने लग जाते हैं। ये जो स्पॉट्स जो हैं लीफलेट्स पे बनते हैं यह डार्क ब्राउन कलर, पेल ब्राउन कलर के होते हैं एंड ओवल और एंगुलर इन शेप हो सकते हैं। इन स्पॉट्स का जो मेजरमेंट है वो 3 to 4 mm जो है इन डायमीटर हो सकता है। हर एक स्पॉट जो होता है डिलिमिट किया जाता है बाय क्लोरोटिक मार्जिनल जोन जो कि धीरे धीरे क्या होते हैं फेड कर जाते हैं। ये जो क्लोरोटिक जोन होता है यह इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द स्पॉट। जैसे जैसे स्पॉट इंक्रीज होता है साइज़ में वैसे वैसे ही जो है क्लोरोटिक जोन जो होता है वह भी इंक्रीज होता है साइज़ में। जनरली जो है इस डिज़ीज़ के कारण क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट लीव्स होती हैं वह पहले अफेक्टेड होती हैं, देन धीरे धीरे जो है यह डिज़ीज़ जो है प्लांट के जो है ऊपरी हिस्सों में जो है इन्फेक्शन काज करता है। ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं स्पॉट के इनमें जो है कॉन्सेंट्रिक रिजेस देखने को मिलते हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिज़ीज़ का। नंबर ऑफ स्पॉट्स जो होते हैं लीफलेट्स पे वो कम होते हैं, बट अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिले तो नंबर एंड साइज ऑफ द स्पॉट्स जो है कम्प्लीटली बढ़ सकते हैं एंड पूरे लीफ सरफेस पे जो है सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं।
जैसे जैसे डिजीज़ जो है सिवियर होता जाता है या एडवांस स्टेजेस में मैच्योरिटी के टाइम तक आ जाता है, तब जो है नंबर ऑफ स्पॉट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और लीव्स जो होती हैं उनमें जनरली जो है मैच्योरिटी देखने को मिलता है एंड पत्तियाँ जो है झड़ती जाती हैं। आर एस सिंह के अकॉर्डिंग जो है ये स्पॉट्स जो होती हैं जनरली वो हार्ड हो जाती हैं इन ड्राई वेदर कंडीशंस, और जो लीफलेट्स हो जाते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, यानी कि मुड़े हुए दिखते हैं। कई बार क्या होता है कि जो है पत्तियों में जो है डिफोलिएशन देखने को मिलता है, स्टेम्स एंड पीटियोल्स जो होते हैं वो भी जनरली ब्राउन टू डार्क लेशंस जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसका सिम्टम्स का अगर ओवरव्यू देखें तो इसके सिम्टम्स के ओवरव्यू में जो है जनरली हमें यह देखने को मिलता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं जनरली जो है 4 to 5 weeks आफ्टर जो है सोइंग नज़र आने लग जाते हैं, यानी कि स्पॉट्स जो हैं धीरे धीरे करके जो है नज़र आते हैं। लोअर सरफेस जो होता है लीफ का वो फर्स्ट अफेक्टेड होता है, यानी कि जो है सबसे पहले जो स्पॉट्स जो होते हैं वो लोअर लीफ में देखने को मिलते हैं। ये जो लोअर लीफ होते हैं इनमें ग्रीनिश ब्लू कलर के जो है फंगल ग्रोथ देखने को नज़र आते हैं। धीरे से जो ये स्पॉट्स जो होते हैं यह कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राउन कलर के एंड इनमें जो है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलते हैं। क्लोरोसिस जो है यह प्रोड्यूस हो जाता है पत्तियों में एंड पत्तियाँ जो हैं गिरने लग जाती हैं। ब्लैक से ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो हैं स्टेम में नज़र आते हैं एंड ब्रांचेस या फिर पूरा का पूरा प्लांट जो है इस डिजीज़ के कारण क्या हो सकता है, डाई हो सकता है। ट्यूबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम होता है और ये जो ट्यूबर्स फॉर्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कई बार जो इन ट्यूबर्स में जो है सड़न देखने को भी मिलती है। ट्यूबर्स के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो लेशंस हैं ये क्लियरली दिख रहे हैं एंड लेशंस में जो है आप कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को जो है देख सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्ली ब्लाइट, यानी कि अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के कारण जो है पोटैटो के जो क्रॉप्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है लॉस होता है, यानी कि जो उनकी ईल्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस डिजीज़ के कारण क्या होता है, एक्सट्रीम केसेस में जो है जनरली प्रीमैच्योर डिफोलिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट जो होती है वह रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है क्रॉप का जो ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। आइए इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जानते हैं। तो ये जो अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो है यह जनरली जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। यह जनरली वीक प्लांट्स जो हैं उनको अफेक्ट करता है। यह डिजीज़ जो है सील एंड सॉइड बॉल दोनों तरीके से होता है। पैथोजन जो है सर्वाइव करता है एज अ कोनिडिया एंड माइसिलियम इन सीड्स एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। इसके जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई के वो टोमेटो होते हैं। इनमें डिजीज़ काउज करने के लिए जो है फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है 28 to 30 degrees centigrade जो होता है कोनिडिया जर्मिनेशन के लिए। इसके अलावा जो है जितना ज़्यादा मात्रा में जो है ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा ही जो है यह फेवरेबल कंडीशंस होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के लिए। आइए अल्टरनेरिया सोलेनाई का जो है सिस्टमिक पोजीशन देख लेते हैं। यह बिलोंग करता है टू द किंगडम माइकोटा, डिविजन यूमाइकोटा, सब डिविजन ड्यूट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर हाइपोमाइसिटेलिस, फैमिली डिमेटिएसी, जीनस अल्टरनेरिया, स्पीशीज सोलेनाई। ये जो दिख रहा है ये आपको जो है कोनिडिया ऑफ अल्टरनेरिया है। आइए इसका डिजीज साइकिल देख लेते हैं। तो जो माइसीलियम है और कोनिडिया है पैथोजन का वह रिमेन कर जाता है फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम फॉर अबाउट अ ईयर लीव्स में, ठीक है, एंड देन 17 मंथ्स के लिए भी जो है यह जो कोनिडिया एंड माइसिलियम है या रूम टेम्परेचर में भी जीवित जो है रह सकते हैं। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम जो है इस डिजीज़ का वह इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज हैं,
जैसे कि जो है सूखी पत्तियां हैं, स्टेम्स है, पोटैटो ट्यूबर्स है या कॉन्टामिनेटेड टोमेटो सीड्स हैं, ये क्या करेंगी, इन ये जो है सर्व करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम। एंड प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो होता है कोनिडिया या फिर माइसीलियम के द्वारा, जो कि इन इन्फेक्टेड डेब्रीज में प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। वॉकर के अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर 28 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आवश्यकता पड़ती है कोनिडिया को जर्मिनेट करने के लिए, और ये कोनिडिया जो है 35 टू 45 मिनट्स में जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। एंड जर्म ट्यूब्स जो होते हैं या लोअर लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट में जो है स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं। फंगस जो है क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इनसाइड द होस्ट लीफ एंड स्टेम डायरेक्टली थ्रू द एपिडर्मिस। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वह होता है 48 टू 72 आवर्स। प्राइमरी इन्फेक्शन के कारण जो है पत्तियों में जो है लीव स्पॉट्स देखने को मिलते हैं विद इन 2 to 3 डेज अंडर फेवरेबल कंडीशंस। सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है यह डायरेक्टली जो है कोनिडिया प्रोडक्शन के बाद में ही होता है, यानी कि 5 to 7 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। ये जो कोनिडिया होते हैं यह जो है स्पॉट को जो है प्रोड्यूस कराते हैं जो कि 3 mm इन डायमीटर के होते हैं। मैच्योर कोनिडिया जो होते हैं क्या करते हैं, रेडली डिटैच जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट्स या फिर वाटर या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा। यानी ये जो मैच्योर कोनिडिया होते हैं यह प्लांट से जो है डायरेक्टली डिटैच होते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा। फ्लीस बीटल्स, कोलोराडो बीटल्स ये जो हैं जनरली जो हैं इन्फेक्शन क्या कहते हैं कैरी करते हैं, यानी कि कोनिडिया को जो है इनसाइड जो है देयर बॉडीज जो हैं कैरी करते हैं, एंड देन जो है आगे चल के जो है फैसिलिटेट करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ जर्म ट्यूब्स बाय वंस ऑन द होस्ट सरफेस। इसका डिजीज मैनेजमेंट देख लेते हैं। जनरली जो है सॉइल बॉर्न डिजीजेस जो है हम उसमें स्टडी करते हैं कि क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो है जनरली जो है फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं जीवित, तो क्रॉप रोटेशन से जो है क्या हो सकता है कि जो है जनरली इनकेस अगर उनको जो है होस्ट प्लांट नहीं मिलता है तो वो जो है क्या कर सकते हैं, उनकी जो इनोकुलम पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो है फील्ड सैनिटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो सकता है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जितने भी जो इन्फेक्टेड ड्राई लीव्स होते हैं, हॉम्स होते हैं, हमें इनको जो है तुरंत जो है बर्न कर देना चाहिए आफ्टर द हार्वेस्ट। रेगुलर स्प्रे करना चाहिए हमें, इफेक्ट स्प्रे यूज़ करना चाहिए फंजिसाइड्स का। इवन जो 15 टू 20 सेंटीमीटर्स जो प्लांट होते हैं उनमें जो है बोर्डेक्स मिक्सचर को जो है हमें अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो है ये डिजीज़ जो है कंट्रोल किया जा सके। आई होप आज का ये जो टॉपिक था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।